सभी किसान बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। स्वस्थ किसान में हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, आपकी सेहत की, ताकि हमारा देश स्वस्थ रहे और प्रगति के मार्ग पर तेज़ी से आगे बढ़ता रहे। इसलिए आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और वो है आपके दिल से जुड़ी बातचीत। जी हाँ, दिल जो कि हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जब तक हमारा दिल धड़कता है तब तक हमारी सांसें चलती हैं, इसलिए दिल का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। हालांकि एक समय था जब दिल की बीमारियों को उम्र के साथ जोड़कर देखा जाता था, यानी बुढ़ापे की बीमारी से कहा जाता था, लेकिन आज के दौर में जिस तरह की हमारी जीवन शैली हो रही है, जिस तरह का खान पान है, इसका बहुत बुरा प्रभाव हमारे दिल पर पड़ रहा है। इसीलिए दिल से जुड़ी बीमारियों की आशंका भी बढ़ती जा रही है। नौजवानों में भी ये बीमारी बढ़ रही है। आखिर क्यों हो रहे हैं नौजवानों में हार्ट अटैक्स? कैसे अपने दिल का आप ख्याल रखें, ये जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए आज हम बात करेंगे दिल की सेहत के बारे में। तो अगर आप भी इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो आप हमें इस विषय से जुड़े हुए सवाल भेज सकते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा विषय, हृदय रोग लक्षण और उपचार। तो यहाँ पर यह भी समझना बहुत आवश्यक है कि किसे हम हृदय रोग माने और किसे हम आघात माने। कई बार हम यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए जागरूकता होनी बहुत आवश्यक है। कैसे हम दिल की बीमारियों को दूर रख सकते हैं, प्रिवेंटिव हो सकता है, ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए आज के कार्यक्रम में हमारे साथ दो विशेष मेहमान जुड़ेंगे जिनसे आप फ़ोन पर बात कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले अब आपको जानकारी दे देते हैं विषय के बाद हमारे टोल फ्री नंबर के बारे में, हमारे ईमेल के बारे में, जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं आज के हमारे ईमेल एड्रेस पर भी और टोल फ्री नंबर पर भी। आप देख सकते हैं हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1130-60, दूसरा नंबर है 1800-1130-61 टोल फ्री है, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही आप हमारे स्वस्थ किसान के ईमेल आईडी पर भी लाइव सवाल भेज सकते हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे, स्वस्थ किसान लाइव 2024@gmail.com, स्वस्थ किसान लाइव 2024@gmail.com। तो ये हमारा ईमेल आईडी है जिस पर आप अपने प्रश्न भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने दिल के झरोखे में झांककर देखें कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्यों, ठीक ठाक व्यक्ति जो स्वस्थ दिखाई देता है वो कई बार उसे हार्ट अटैक हो जाता है और स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। तो आज का कार्यक्रम बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये दिल का मामला है और इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं जो कि एक घंटे तक आपके साथ रहेंगे। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप उनसे बात भी कर सकते हैं। तो आइए मुलाकात करवाते हैं आज के हमारे दोनों खास मेहमानों से। डॉक्टर रंजीत कुमार नाथ, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हृदय रोग विभाग आरएमएल अस्पताल दिल्ली से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे दूसरे मेहमान हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवा देते हैं। डॉक्टर दीक्षांत जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर हृदय रोग विभाग सफदरजंग अस्पताल दिल्ली से। तो दोनों विशेषज्ञ हमारे साथ रहेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये पूरा कार्यक्रम आज हम हृदय से जोड़ करके आप तक पहुंचा रहे हैं, यानी दिल से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। दिल की सेहत, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, ये सब क्यों होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, और जैसा कि हम हर कार्यक्रम कहते हैं, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, यानी उपचार से बेहतर सावधानी है। तो कैसी सावधानियाँ बरतनी है, इसी पर हम अगले एक घंटे तक बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आज के विषय से जुड़ी ये रिपोर्ट देख लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वास्थ्य अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम जानेंगे हृदय रोगों के बारे में, जिन्हें कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी कहा जाता है। यह बीमारी अब सिर्फ बुजुर्गों की समस्या नहीं रही, हर उम्र के लोग, चाहे बच्चे हों या युवा, इसकी चपेट में आ रहे हैं। हृदय रोग का सबसे आम कारण धमनियों में रुकावट आना है, जो मोटापा, उच्च कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से होता है। इसके लक्षणों में छाती में दर्द, सांस का फूलना, धड़कनों का तेज या धीमा होना,
बेहोशी, थकान और पैरों में सूजन शामिल हो सकते हैं। यदि आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को ऐसे लक्षण नजर आएं, तो इसे हल्के में न लें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। धन्यवाद भूमि। दिल की बीमारियों के बढ़ते मामलों का एक बड़ा कारण है हमारी आधुनिक जीवन शैली और खराब खान पान। तला भुना भोजन, जंक फूड और अत्यधिक वसा से भरपूर आहार दिल के लिए बेहद नुकसानदायक हैं। तंबाकू, धूम्रपान और शराब का सेवन भी दिल की सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि तंबाकू का कोई भी रूप दिल के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसके अलावा आजकल ज्यादातर काम बैठकर किए जा रहे हैं, जैसे ऑफिस में काम करना या टीवी देखना। यह लंबे समय तक बैठने की आदत भी दिल की सेहत पर बुरा असर डालती है। इसलिए कहा जाता है, बैठना एक नई धूम्रपान की तरह है, यानी अधिक समय तक बैठे रहना भी दिल के लिए उतना ही नुकसानदायक है जितना कि धूम्रपान। बिल्कुल सही कहा कृष। अब सवाल आता है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले दिल की सेहत के लिए एक संतुलित आहार बहुत जरूरी है। अपने खाने में फल, हरी सब्जियां और फाइबर युक्त अनाज को शामिल करें। ताजे और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का सेवन करें और जितना हो सके जंक फूड से बचें। इसके साथ ही नियमित रूप से व्यायाम करें। हर दिन कम से कम 30 मिनट का व्यायाम आपके दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। दौड़ना, टहलना, साइकिल चलाना या तैराकी जैसे व्यायाम दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। और हाँ, तनाव को भी कम करना बहुत जरूरी है। तनाव दिल की बीमारियों का एक और बड़ा कारण है। योग, ध्यान और समय समय पर आराम करने से तनाव को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा धूम्रपान और शराब से पूरी तरह बचें। अगर आप पहले से ही दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं, तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित रूप से दवा लें और चेकअप कराते रहें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें और तनाव से दूर रहें। अपने दिल का ख्याल रखें, क्योंकि स्वस्थ दिल ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे AI एंकर भूमि और कृष, जिन्होंने आपको विस्तार से जानकारी दी इस विषय के बारे में। आइए वो एक्सपर्ट से बात करते हैं और साथ ही आपके ईमेल्स और आपके कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। अवश्य आप हमें कॉल करें और अगर कोई जानकारी जानना चाहते हैं, कोई समस्या है या किसी अपने घर परिवार के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये पूरा मंच आपके लिए है। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर रंजीत, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, हमारे एंकर ने भी बताया कि कैसे जो हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है उसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या माने कि जो ये खतरे या फिर इस तरह की समस्या, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, ये आधुनिकता की एक तरह से, जहाँ हम आधुनिकता को वरदान मानते हैं, वही आधुनिकता का ही कहीं ना कहीं एक कर्ज भी हम इसे देख रहे हैं। जी हाँ, आप सही कहा अंजू जी, क्योंकि आधुनिकता के कारण हम लोग चलना कम कर दिया, एक्सरसाइज जो पहले हमारा पूर्वज जो है काम के सिलसिले में ही काफ़ी चलते थे, लेकिन आजकल हमारा शहरी होने के कारण ज़्यादातर चलना या एक्सरसाइज करना बहुत कम हो गया। खान पान में हम ज़्यादातर खुद के घर की बना हुआ खाना ना खा के, या तो पैकेज फूड जिसको पैकेट करके बेचते हैं, उसमें बहुत टाइप का प्रिजर्वेटिव या संरक्षण के लिए बहुत ऐसा चीज़ें डालते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। तीसरा, हमारा एवरेज जो वजन है वो बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का मोटापा, दैट वो भी खान पान या उसका एक्सरसाइज या कसरत ना करने के कारण है। चौथी पॉइंट है टेंशन, जैसे आपका AI एंकर्स ने भी बताया, टेंशन बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस, शहरी स्ट्रेस, गाड़ी रोज़ का कार मोटर का जो टाइम पे पहुंचने का टेंशन, घर पहुंचने का टेंशन, स्कूल पहुंचने का टेंशन, सारे टेंशन ये स्ट्रेस बोलते हैं, ये एक घातक होता है कभी कभार टेंशन। सो सारे जो है, और आजकल एक नया चीज़ है जो हमने दिल्ली में भी देखा कि एयर पोल्यूशन भी एक टाइप से एक पोल्यूशन आ रहा है। तो सारे चीज़ें मिल के जो बीमारी है वो बढ़ते जा रहा है। तो आपका बात सही है कि ये शहरी जितना ही होते जा रहे हैं, हम गांव से शहर मूवमेंट कर रहा है, जितना अर्बनाइजेशन हो रहा है इंडिया में, उतना ही शायद हार्ट अटैक हमारा सोसाइटी में बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल सर, ये बात पहले कही जाती थी कि शहरों की बीमारी है, लेकिन हम अब ऐसे केसेस भी देख रहे हैं जहाँ पर गाँव में भी हमारे किसान भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, वो भी इसके शिकार हो रहे हैं। तो आखिर वहाँ किस तरह की समस्या आ रही है, ऐसा क्यों, क्या जो मशीनीकरण है या फिर आधुनिकीकरण है खेती में,
वो किसान उसमें उतना ज़्यादा घुल जाते हैं कि जो एक शारीरिक श्रम है वो नहीं करते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ विपिन है, आइए बात करते हैं। सागर से हमारे साथ हमारे दर्शक हैं। जी विपिन जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका। जी नमस्ते मैम। नमस्कार विपिन जी। जी धन्यवाद मैम। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा क्योंकि आपने जो एआई का प्रयोग किया है अपनी रिपोर्ट में, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा भी समझ में आता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के नए नए हम प्रयोग करते रहते हैं और आप दर्शकों का जब प्यार मिलता है तो हमें और भी ज्यादा अच्छा लगता है। हमारा मनोबल बढ़ता है। आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो आप लोग भी उसके साथ चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। मैम मेरे दो तीन सवाल है। पहला सवाल मैम ये था कि किसी तरह का सदमा या फिर कह लें बैड न्यूज, क्या ये भी कोई रोग की कारण या रीजन हो सकता है, या फिर क्या सुनने मिलता है ना कहीं पे कि अनहोनी कहीं पे सुनी और अचानक से हृदय में दर्द हुआ और तब से उनको ये समस्या होने लगी, तो क्या ये मिथ है या फिर ऐसा भी होता है कि किसी बैड न्यूज से भी हृदय रोग होना शुरू हो जाए। और दूसरा सवाल मैम ये था कि क्या कुछ ऐसी जाँचें हैं जिससे हम पहले से पता लगा लें कि हाँ ऐसी कुछ समस्या आ रही है, क्योंकि अक्सर कहते हैं कि ये बिना लक्षण वाली बीमारी है, हार्ट अटैक कोई लक्षण नहीं होता, दबे पाँव अटैक हो जाता है। और तीसरा सवाल मैम ये था, कहते हैं कि खून गाढ़ा हो तभी हार्ट अटैक होता है, तो क्या कच्चा लहसुन भी खा सकते हैं? ठीक है, बहुत सारे सवाल, बहुत अच्छे सवाल हैं विपिन जी, और आप जैसे दर्शक हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हम आपके लिए अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर आएँ, इसीलिए हम प्रयास भी करते हैं। तो सर सबसे पहले डॉक्टर दीक्षांत आपसे मैं जानना चाहूँगी, जिनका पहला सवाल था कि क्या शॉक भी एक कारण हो सकता है हार्ट अटैक का, क्योंकि हम बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर देखते हैं कि कोई शॉकिंग न्यूज़ आई, और कई बार ऐसे हम घटनाएँ भी सुनते हैं कि कोई ऐसी अप्रिय घटना हुई परिवार में जिससे किसी को हार्ट अटैक आ गया, क्या दिस कैन बी द रीज़न? बिल्कुल मैम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न रहता है, क्योंकि इस टर्म को एक्चुअली हम मेडिकल लैंग्वेज में अपनी भाषा में बोलते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। तो सडन कार्डियक अरेस्ट का जैसे इन्होंने बिल्कुल बताया कि स्ट्रेस, इमीडिएटली आपने कोई बैड न्यूज़ सुनी और आप शॉक में चले गए, उसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे इमीडिएटली हार्मोन्स बनते हैं, और उन हार्मोन्स की वजह से वो जिस क्वांटिटी में बन रहे हैं वो सडनली अगर हार्ट के ऊपर थोड़ा सा भी इफ़ेक्ट डालते हैं, और आपको अगर प्री एग्जिस्टिंग कोई पुरानी बीमारी रही हो, सब क्लिनिकल बीमारी रही हो, कि आपको अभी सिम्टम नहीं है बट अंदर ही अंदर बीमारी है, बट हार्ट ने उसको फिर भी मैनेज कर लिया है, तो वो उस हार्मोन के लोड से एकदम से हार्ट अटैक भी आ सकता है पेशेंट को, एकदम से उसका रेट, हार्ट का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 200-300 भी हो जाता है, और फिर कई बारी कई केसेस में हम मृत्यु जी जी जा सकते हैं। यानी जैसा कि इन्होंने जानना चाहा कि क्या स्ट्रेस, एक्सट्रीम स्ट्रेस जिसे हम शॉक कह रहे हैं, वो रीज़न हो सकता है। अच्छा दूसरा इनका सवाल था सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर रंजीत, कि क्या हम पहले से जान सकते हैं कि हृदय संबंधी कोई समस्या हो सकती है या फिर दबे पाँव ये आ रही है, क्या इसके लिए कोई टेस्ट है? ये बहुत अच्छा सवाल था उनका, क्योंकि उनका जो सवाल था कि क्या हार्ट अटैक जो है साइलेंटली आते हैं, ये सही है, हार्ट अटैक ऑल ऑफ ए सडन आता है, लेकिन हार्ट की बीमारी दो टाइप का है, एक जो नस या धमनी में खून जाने का रुकावट हो ग्रेजुअली आहिस्ते आहिस्ते होता है, उसको हम क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना बोलते हैं, उसमें क्या होता है काम धंधा करने में, तेज चलने में, साथी में दर्द होता है, आदमी को बैठना पड़ता है, ये एक क्रॉनिक डिजीज है, और एक है जो कुछ भी नहीं था ऑल ऑफ ए सडन हो गया, अभी उसको हम बोलते हैं कि ये, तो उसको कैसे हम पता करें कि अगर हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनके अंदर रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा है, वो है जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप या डायबिटीज़, उसके बाद स्मोकिंग या तंबाकू सेवन किसी भी टाइप का, देन अगर किसी को मोटापा है, और किसी लोगों को जो है बैठ के काम करने वाला लोग, और छः नंबर पे मैं जोड़ूंगा जो जिसको ज़्यादा स्ट्रेस है, मैंने ऑलरेडी बार बार बोल रहा हूँ स्ट्रेस है, इस टाइप का लोगों में अगर ऐसा कोई लक्षण है उसमें से हार्ट, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, मोटापा या सिडेंटरी लाइफस्टाइल, बिना चले काम करने वाला, टेबल पे बैठ के काम करना, इन लोगों को थोड़ा सा 40 साल के बाद थोड़ा रिस्क वो करना चाहिए कि क्या हार्ट अटैक हो सकता है क्या। ठीक है सर, इनका तीसरा सवाल था खून गाढ़ा हो जाता तभी समस्या होती है, तो मैं उन्होंने लहसुन के बारे में जानना चाहता था, तो मैं घरेलू उपाय क्या क्या हो सकते हैं उस पर आगे आऊँगी। नंद स्वरूप जी हमारे साथ हैं बाराबंकी से, इन्होंने कॉल किया है। नंद स्वरूप जी बताइए क्या प्रश्न है आपका। हेलो जी, नमस्कार नंद स्वरूप जी, बताइए क्या सवाल है। सर मैं नंद स्वरूप बाराबंकी से।
मैं ज्यादा जानना ये चाहता हूँ कि दिल है मानता नहीं है, कितनी चीजें खाने की ओर बढ़ जाता तो ऐसी दशा में जैसे हम कम खाएं, गम खाएं, तेल घी चीनी नमक कम खाएं तो इससे जो है हृदय रोग को कितना कम कर सकते। इसके अलावा जो तम्बाकू का सेवन है या नियमित हम 30-60 चिकन जो है हम व्यायाम करें या ताजा संतुलित भोजन खाएं, जंक फूड से हम दूर रहें, अपने वजन को अपने कद के अनुसार बनाए रखें, 6-8 घंटे बिना तनाव से हम नींद लें, नियमित हम हृदय की जांच कराएं कि हम कितना हमें हमारे दिल का फायदा पहुंच सकता है। चलिए, बहुत सारी बातें बताई नंद स्वरूप जी आपने और बहुत जागरूक दर्शक हैं हमारे सर। तो देखिए, तो बहुत सारे सवालों के उन्होंने खुद ही जवाब दे दिए। दीक्षांत जी, क्या बताना चाहेंगे? एक जो उन्होंने पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया था, मादक पदार्थों का सेवन, जिसमें तंबाकू का नाम लिया, जो और मादक पदार्थ होते हैं, तो सर इनका हमारे हार्ट पर कितना प्रभाव पड़ता है? और साथ ही जो इन्होंने कहा, इनका एक्चुअली बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। तंबाकू का जो सेवन होता है वो यूजुअली छोटी क्वांटिटीज़ में लिया जाता है जी, जी। तो इमीडिएटली वो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट ओवर लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी कंट्रोल में रहता है, बट क्योंकि हमारी हमें आदत लग जाती है, इस वजह से उसका नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। एंड इसका नुकसान इसलिए सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि ये छोटी छोटी क्वांटिटी में जा रहा है, तो हमें अभी कुछ नहीं होगा बट कुछ सालों में ये इतना ज़्यादा नुकसान कर चुका रहता है, तब तक काफी मुश्किल हो जाती है। और वैधानिक चेतावनी भी लिखी होती है, जो भी कुछ चाहे कोई भी चाहे पेय पदार्थ हो या फिर जैसा कि अन्य जो मादक पदार्थ हैं उनमें एक चेतावनी भी लिखी होती है जिसे हम कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है। तो किसी भी तरह के मादक पदार्थों से आप दूर रहें, ये आपके लिए जहर है। और चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे जो दर्शक थे जिन्होंने, विपिन एक जानना चाहता सर कि जब खून गाढ़ा हो जाता है, जो थक्के कई बार पड़ जाते हैं, धमनियां सक्रिय हो जाती हैं, उसके बाद हृदय संबंधी समस्याएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, तो क्या घरेलू उपचार, जैसे उन्होंने लहसुन का जिक्र किया, क्या इस तरह के जो हमारे किचन में ही चीज़ें हैं ये हमारे हार्ट के लिए लाभकारी हो सकते हैं? जी हाँ, जो खून गाढ़ा वाला जो बात करते हैं उसके ऊपर हम ज़्यादा ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये विषय आयुर्वेद के अंदर आएगा, लेकिन हाँ घरेलू नुस्खे से क्या है कि ये सब एंटीऑक्सीजन करके एक साइंटिफिक ये है, जिस चीज़ों में ये सब ज़्यादा है, जैसे जामुन की रस पीने से शुगर कम होता है, ये सब कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद में, तो शायद उससे, लेकिन मैं उस पॉइंट से नहीं आ रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ हमारा खून कभी गाढ़ा या ऐसा नहीं होता। जनरली जब कोई इन्फेक्शन होता है या कोई हार्ट अटैक होता है तो खून का जो इकट्ठा बनने का कैपेसिटी बढ़ जाता है, तो उस पॉइंट पे कुछ इस तरफ से दवाई से शायद काम नहीं होगा, लेकिन एस्पिरिन टाइप का दवाई से ही काम चलेगा। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई लोशन खा के गाढ़ा खून को पतला करे, ऐसा कॉन्सेप्ट हमारा मेडिकल साइंस में नहीं है। दूसरा पॉइंट जो विपिन जी ने पूछा था, तो कि अगर किसी को, जैसे दीक्षांत ने भी बोलने की कोशिश की, ऑल ऑफ ए सडन एक बैड न्यूज दे दिया जाए, एक्चुअली क्या है, इस टाइप का पेशेंट में ऑलरेडी कुछ डिजीज होता है जी जी। तो जैसे ही एक सडन सदमा पहुंचता है तो बीपी बहुत बढ़ जाता है, जैसे उन्होंने बोला बहुत हार्मोन ऐसा हमारा किडनी से निकलता है और तुरंत बीपी बहुत बढ़ जाता है, तुरंत स्ट्रेस इतना, तो वो फंस जाता है ना से, तो हार्ट अटैक हो जाता है, जिससे सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, तो आदमी इंसल्ट भी बच सकते हैं। इसलिए ये सब चीजें, और यही काम निकोटीन या तंबाकू करता है, जो जो खून जाने का जो धमनी है उसको संकुचित कर देता है, स्पाज़म बोलते हैं हम लोग, वो संकुचित कर देता है, खून जा नहीं पाता, उससे पुरानी जो रुकावट है उस पे और जो संकुचित कर दिया तो वहां पे अटैक आने का चांसेस है। इसलिए निकोटीन भी जब ज्यादा मात्रा में लेते हैं या अल्कोहल भी बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं, सारी चीजें जो है हार्ट की धमनियों में बहुत ज्यादा वो करते हैं, प्रभाव डालते हैं और हार्ट अटैक हो सकता है। बिल्कुल, तो ये लाइफस्टाइल और हमारी आदतों से जुड़ा हुआ भी विषय है, यानी आप अपनी लाइफस्टाइल, अपना खान पान, इस तरह की आदतों से दूर रहें अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल धड़कता रहे, प्रसन्न रहे, खुश रहे और आप अपने जीवन को खुशनुमा तरीके से जी सकें। अब एक और हमारे साथ कॉलर हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, संदीप खुराना जी हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से, इन्होंने कॉल किया। संदीप जी स्वागत है आपका स्वस्थ के सामने, बताइए। नमस्ते। नमस्कार संदीप जी, पहले टेलीविजन को म्यूट कर लें। हाँ मैडम, मुझे ये जानकारी लेना, जैसे अब आज के समय में किसान लोग कीटनाशक दवाइयों का उपयोग भी कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि अगर दवाई नहीं डालते हैं तो वो फसल नहीं होगी, लेकिन कुछ हद तक क्या इसमें
है क्या भाई, अब जो आजकल का खान पान है वो बदल चुका है, तो पहले इतनी कीटनाशक दवाइयां नहीं डाली जाती थी, तो इसका कुछ रोकथाम या कैसे क्या आप थोड़ा? ठीक है संदीप जी। सर मैं आपसे जानना चाहूँ, हाँ जी कुछ और भी जानना चाहते हैं संदीप जी? अब आप जी दीक्षांत जी, जैसे कि इन्होंने कहा कि आजकल जो हमारे किसान खेतों में काम करते हैं कई तरह के रसायनों के संपर्क में आते हैं, पहला तो ये कि उन्हें क्या करना चाहिए ताकि पहले तो किसान ही उसकी जद में ना आए, सर क्या कहना चाहेंगे? तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हम इसको बोलते हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है इसमें एक तो आता है कॉन्ट्रीब्यूशन फूड का और दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन आता है एक्सरसाइज व्यायाम का। तो जो कंट्रीब्यूशन फूड का है, तो अगर हम अच्छा खाना खाते हैं दैट इज़ हम तेल घी ऊपर से नमक और चीनी तला हुआ खाना बाहर का खाना पैकेज फूड प्रोसेस फूड ये सब सब के सब अगर हम बेयर मिनिमम कर दें, जैसे अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं किसी के फंक्शन पे जा रहे हैं तो ठीक है थोड़ा सा, अब क्योंकि खाना भी हमारे कल्चर में ज़रूरी है तो इसलिए वो थोड़ा सा बेयर मिनिमम खा लिया। बट अगर हम कहीं पास तक जा रहे हैं तो साथ ही साथ हम अपनी कार या कोई व्हीकल लेकर जाने के बजाय अगर हम खुद पैदल चल के जा सकें, खुद थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकें, अगर हमने कहीं सीढ़ियां चढ़नी है तो लिफ्ट के बजाय अगर हम सीढ़ियां चढ़ें 2 मंजिल 3 मंजिल, तो वो जो एक जो नेचुरल एक्सरसाइज की एक कैपेबिलिटी है अगर बॉडी में वो भी बनी रहती है तो इससे भी बहुत ज़्यादा बचा रह सकता है। इससे हार्ट का बिल्कुल एज बहुत अच्छा रहता है एंड हार्ट अटैक पड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जी जी डॉक्टर रंजीत, जैसे कि हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे थे कि कुछ एक चीज़ें हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं, मतलब भोजन जो आ रहा है जो अनाज वो खेतों में उग रहा है कीटनाशक की बात उन्होंने, तो वो हम एज अ कंज्यूमर कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? और जैसे मैं किसानों के बारे में भी कहा कि वो किस किस तरह की सावधानियां बरतें और क्या इनका प्रभाव डायरेक्टली हमारे हार्ट पर पड़ता है? उनका ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि जो हमारा डिजीज बीमारी बढ़ने का ये भी एक कॉज है कि हम केमिकल्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं खेतों में जो पहले नहीं होता था। इसीलिए आज के दिन में जो जैविक खाद का ये कॉन्सेप्ट आया है कि ताकि वो हमारा शरीर में, देखिए जो हम कीटनाशक यूज़ करता है वो ज़्यादातर जो सब्जी या फल के अंदर नहीं जाते, उनका वेटिंग पीरियड भी होता है, तो इसका भी तो अगर हम धो के इसको अच्छे से धो के अच्छे से, मतलब धोने का तरीका है जैसे हाथ से लिया और धो लिया उससे नहीं जाता, उसको अगर हम सब्जियों को 10 से 15 मिनट पानी में डुबो के रखे और उसको बाद में धोए तो वो जो कीटनाशक हमने यूज किया उसको पैदा करने के टाइम वो वाश ऑफ हो जाता है। लेकिन ज्यादा खतरा उसमें नहीं है, धोने से ये निकल जाए, लेकिन ज्यादा खतरा है वो सारे जो बारिश के पानी के साथ हमारा जो पॉन्स या जो पानी का उत्कर्ष है वहाँ पे चले जाता है और अगर वो पानी हम पीने में यूज करते हैं तो ध्यान वो हमारा शरीर में डायरेक्टली जाते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कीटनाशक यूज कर रहा है तो हमको उस एरिया में साइंटिफिकली बताना पड़ेगा किसानों को कि कैसे ये पानी पिया जाए, क्योंकि अगर वही पॉन्स से जहाँ खेतों के पानी जाके वहीं से अगर पानी यूज कर रहा है या ट्यूबवेल से बोरवेल से पानी पी रहा है तो वो कीटनाशक उनके शरीर में जाएगा और वो असर करेगा बिकॉज ये सारे केमिकल है। इसीलिए हम उस पर दो बातें हम ये बताना चाहते हैं, एक तो जितना हो सके अपना खाए, अपना मतलब हमारा देश का, क्योंकि दूसरे के लिए नहीं है, तो जैविक खाद यूज करें। दूसरा जो पानी है वो हम उसको उबाल के और उसको किसी तरफ से फिल्टर, जैसे घर में बना हुआ फिल्टर आजकल मिलता है ऐसे करके खाएंगे तो शायद कीटनाशक शरीर में थोड़ा कम जाएगा और उससे हार्ट डिजीज और बीपी शुगर या कैंसर किसी तरफ से ज्यादा शायद इससे रेस्पॉन्सिबल है। और बिल्कुल, और सर जैसे कि हम आज के दौर में हम देख रहे हैं कि रसायनों की खेती होनी शुरू हुई थी कुछ वर्षों से, हम पहले जैविक खेती ही किया करते थे और एक बार फिर से हमारी सरकार जैविक खेती प्राकृतिक खेती को काफी प्रोत्साहित कर रही है, किसान भी इसके लाभ को समझ रहे हैं और इसका फायदा भी होते हुए देख रहे हैं, तो हम किसानों से भी जो हमें देख रहे हैं उनसे भी कहेंगे कि आप रसायनों का कम से कम इस्तेमाल करें और अगर इस्तेमाल करते भी हैं तो हर एक फसल का अपना वेटिंग पीरियड होता है जिसके बाद आप उसे बाजार में बेचें, तो यहाँ पर किसानों की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप बने रहे स्वस्थ किसान के साथ। आज हम बात कर रहे हैं आपके दिल की, दिल कैसे आपका स्वस्थ रहे खुश रहे और धड़कता रहे, इसके लिए जरूरी है कुछ खास बातें जिन पर आज हम चर्चा करें, छोटा सा ब्रेक। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी,
फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज के स्वस्थ किसान में हम बात कर रहे हैं हृदय रोग के बारे में, उसके उपचार और कैसे आप उसके लक्षण समझें। इससे जुड़े हुए दो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपके कोई भी सवाल हैं तो आप अवश्य हम तक पहुंचाएं, क्योंकि मकसद हमारा यही है कि आपकी आशंकाओं को, आपके सवालों का जवाब दे सकें और आप स्वस्थ जीवन बिता सकें। इस बीच एक हमारे पास ईमेल आया है, आइए उस ईमेल को हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। शेखर रस्तोगी हमारे दर्शक हैं जिन्होंने स्वस्थ किसान हम देखते हुए हमारे कार्यक्रम में अभी ईमेल किया है दिल्ली से, और ये जानना चाहते हैं कि क्या पंपिंग स्ट्रेंथ हार्ट की कम हो सकती है, और अगर कम होती है तो इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है और उपचार क्या है। डॉक्टर रंजीत, एक्चुअली हार्ट जो है, जो दिल, ये एक मांस पिंड है, इसके अंदर एक कैविटी या एक समझ लीजिए एक खून आने जाने आने का और जाने का एक कैविटी है। तो जितना खून आता है, अगर हम कहें एक बीट में हमारा हार्ट में 100 ml खून आता है, तो हार्ट की मसल पंप करके उसके से 60% करीब 50 से 60% निकाल देता है। इसी को हम इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं कार्डियोलॉजी की भाषा में। और हार्ट का काम यही है कि वो शरीर का विशोधित खून जो लंग्स में हमारे फेफड़े में शोधित होकर हार्ट में आता है, वो पंपिंग करके हमारे सारे शरीर को, ब्रेन से लेके किडनी से लेके लिवर से लेके अपने हार्ट को भी देता है और पैर नाखून सब तक जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं पंपिंग करना हार्ट का काम है। तो ये राइट साइड का जो हार्ट है वो पंपिंग करके फेफड़े में भेजते हैं, और लेफ्ट साइड का जो हार्ट है वो पंपिंग करके पूरी शरीर को देता है। और इस कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट साइड का जो मेन हार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, वही हमारा मेन पंप है जिससे हम बसे हुए हैं। अभी ये पंपिंग अगर खराब हो गया, जैसे ये हार्ट, मैंने बोला एक मसल से बना हुआ है, ये मसल अगर इन्फेक्शन हो गया, जैसे कोरोना वायरस से हुआ था बहुत लोगों का, या उस मसल में खून जाने का रास्ते में रुकावट आ जाते हैं जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं, इससे क्या है फिर हार्ट का मसल डैमेज हो जाता है और वो पंप नहीं कर पाता है। तो इसलिए पंपिंग अगर नहीं कर पा रहा है, तो अगर 60% करना चाहिए नॉर्मली, वो अगर 30% कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि पंपिंग कम हो गया। और इससे क्या होता है, इससे हार्ट फेलियर हो जाता है, लोगों को सांस लेने में मुश्किल होता है, देन काम नहीं कर पाता है, क्योंकि 60% जो ऑक्सीजन रहित खून है, ऑक्सीजनेटेड खून है, वो शरीर को चाहिए, लेकिन आप अभी पंपिंग कम हो गया क्योंकि आपका हार्ट का मसल डैमेज हो गया, क्योंकि कोरोना वायरस ने खा गया हार्ट का मसल, या तो हार्ट अटैक से, तो इसी को पंपिंग फेलियर बोलते हैं। एक चीज हमें ये भी देखिए कि बहुत सारे केसेस जो हैं पोस्ट कोविड बढ़े, तो क्या ये कोविड का इम्पैक्ट देखे हम हार्ट पर? यही कह रहा हूँ कि हार्ट की मसल की स्ट्रेंथ कम होने का दो कॉमन तरीका, एक है मसल डैमेज हो गया कोविड या ऐसा कुछ वायरसेस है, बहुत टाइप का वायरस है, जैसे कोविड हमने सबने एक साथ झेला है इसीलिए हमको, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो हार्ट की मसल को डैमेज करने वाले काफ़ी वायरस हमारे समाज में ऑलरेडी है, तो उससे मसल डैमेज होता है। और दूसरा तरीका है मसल को सप्लाई करने वाला ऑक्सीजन जाने वाला रास्ता, जिसको हम धमनी को डिजीज, जिसको हार्ट अटैक कर रहा है, ये दो सबसे कॉमन वजह है जिसके कारण पंपिंग कम हो जाता है। सर एक कॉलर है, मैं आगे आपसे जानूंगी कि ऐसे में करें क्या, अगर जैसे कि आपने बताया कि पंपिंग कम हो जाती तो क्या करें। कन्हैया लाल जी हैं जिन्होंने हमें राजस्थान के जयपुर से कॉल किया है। कन्हैया जी स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताएं क्या सवाल है। हेलो कन्हैया जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, आप बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैडम जी, बताइए सवाल बताएं। ऐसा है, गाड़ियाँ जो रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं, तो उनका जो कार्बन होता है, ठीक है, उस कार्बन से भी हृदय रोग और टीबी का कोई संबंध है? टीबी और हृदय रोग, हृदय रोग। सर पोल्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि उसे भी हृदय रोग का कोई विशेष कारण है? ठीक है डॉक्टर दीक्षांत, तो है ही है। डॉक्टर दीक्षांत क्या बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, इसका डायरेक्ट इसका बनता है इनके साथ, क्योंकि क्या होता है, जो कार्बन जो हमारे यहाँ पोल्यूशन जो गाड़ियों से निकलता है वो हाफ बर्न्ट कार्बन होता है, तो वो जो हाफ बर्न्ट मॉलिक्यूल होता है, जाके जो कि पूरा अगर बर्न होता तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर वो जाके एटमॉस्फेयर में यूटिलाइज हो जाता, बट ये जो हाफ बर्न्ट होता है ये पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बन नहीं पाया, तो इस वजह से ये बीच में रुक के जब हम इसको इनहेल करते हैं, जब हम इसको अपने अंदर लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन
के फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है और बाकी सारे बॉडी के पार्ट्स के साथ रिएक्ट करता है, जिस वजह से इसमें बहुत सारी डैमेजिंग इफ़ेक्ट आ जाते हैं, जिसमें से एक इफ़ेक्ट तो हार्ट अटैक है ही है। जैसे कि हम हर रोज़ न्यूज़ चैनल में पढ़ते हैं कि दिल्ली का पोल्यूशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक के, ऐसे ही देखे गए हैं काफ़ी स्टडीज़ में कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स बढ़ जाते हैं, वैसे ही हार्ट अटैक के साथ साथ कैंसर का भी बहुत सारा इंसिडेंस इनकी वजह से बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट भारत स्टेज 6 के अब जो नॉर्म्स अब आने वाले हैं, जो अब आ चुके हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट रहते हैं कि जो कि स्ट्रिक्टली लागू हो हर व्हीकल पे, ताकि उनका पोल्यूशन लिमिट भी कंट्रोल में रहे। इनका जो एक सवाल था कि कार्बन जो जो हम गाड़ी का पोल्यूशन से टीबी का ऐसा डायरेक्ट संबंध नहीं है, हाँ लेकिन अगर फेफड़ा खराब हो गया है कभी तो उसमें टीबी पनपने का चांसेस ज़्यादा है, लेकिन डायरेक्टली ऐसा कोई संबंध नहीं है। बट हाँ, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा इनहेल करेंगे हम लोग जो गैस से निकलता है गाड़ी का, उससे हमारा लंग्स खराब हो सकता है, जिससे हार्ट अटैक दिशांत जी ने बताया बढ़ सकते हैं, और लंग्स खराब हो सकता है जिस लंग्स में, जिस फेफड़े में टीबी का प्रकोप ज़्यादा हो सकता है। ठीक है सर, एक चीज़ और बताएं, जैसे हम हार्ट अटैक कहते हैं और दूसरा है दिल से संबंधित बीमारियां, यानी हार्ट अटैक एंड हार्ट डिजीजेज, क्या ये दोनों एक ही चीज़ है या इनमें कोई फ़र्क होता है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कोई बहुत स्वस्थ व्यक्ति है जो व्यायाम कर रहा है, व्यायाम करते करते उसे हार्ट अटैक आ जाता है जिसे कोई सिम्टम्स नहीं थे, तो क्या ये दोनों चीज़ें एक ही हैं या इनमें कोई फ़र्क है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। हार्ट अटैक या दिल की बीमारी एक बहुत सा बीमारी को एक साथ हम मिलाते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर रहना या शुगर बहुत दिनों से, ये सारे ये सब कारक है जो जाके हार्ट का बीमारी बढ़ाते हैं। जैसे आपने ऑलरेडी हम लोगों ने अभी बात किया था, कोविड या एस टाइप का वायरस है जो, उससे भी हमारा हार्ट की मसल डैमेज होता है। तो कुछ कुछ डिजीज ऐसा होता है जो कुछ टाइम से पनप रहा है लेकिन हमको पता नहीं है, एक क्रिटिकल फेज आने के बाद ही हमको पता लगता है। जैसे मैंने कहा कि वायरस ने हमारा दिल की मसल्स को खा गए, हमको इनिशियली क्या हुआ, थोड़ा खांसी जुकाम हुआ और बुखार हुआ, लेकिन हफ्ता दिन में ठीक हो गया, हम ज्वाइन कर लिए ड्यूटी या किसान जो है किसानी शुरू कर दी, लेकिन वो जो डैमेज हो गया वो आहिस्ते आहिस्ते 2-3-4 महीने के बाद उनको सांस लेने में दिक्कत, चलने में दिक्कत, रोज़ जो काम कर रहे थे खेत में वो नहीं कर पाना, ये सारे दिल की बीमारियों का एक हिस्सा है, उसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। उसी तरफ से अगर हार्ट ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है या किडनी खराब है तो दिल को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा है शरीर को ठीक रखने के लिए, वो हार्ट इतना मोटा हो जाता है, इसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़। और कुछ डिजीज़ है जो फैमिली में चलता है, जो हार्ट बहुत मोटा होता है और फैमिली में कोई सडनली गुजर जाता है, उसको हम हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। बहुत तरह का डिजीज़ है जो हमको हार्ट बीमारी, दिल की बीमारी बोलते हैं, लेकिन हार्ट अटैक एक अलग चीज़ है। वो है कि दिल की धमनी जिससे हमारा ऑक्सीजन जो खून जाती है वो रास्ते में तुरंत ब्लॉक हो जाना, ऑल ऑफ ए सडन तुरंत ब्लॉक हो जाना। और तुरंत क्यों ब्लॉक होता है, क्योंकि वो फट जाता है और वहाँ पे एक खून की कत्था बन जाता है। जैसे फट गया और खून की कत्था बन गया तो आगे और खून नहीं जा पाएगा, तो आगे जितना एरिया है वो डेड हो जाता है, इसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। जी जी जी, तो सर इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, किन्हें हम माने कि रिस्क फैक्टर्स हैं? तो हार्ट अटैक होने के सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स जो है वो पाया गया है कि स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सिडेंटरी लाइफस्टाइल में ना चलना, रेगुलर एक्सरसाइज ना करना, बैठ के काम करना, ये सारे रिस्क फैक्टर्स है। और खान पान में ध्यान नहीं देना, जंक फूड जो हम बोलते हैं, जंक फूड मतलब तेल में डाल के उबाल के, उबला हुआ तेल में डाल के जो निकाल रहे हो वो खाना, वो कितने बार तेल गर्म होता है, कितने बार गर्म करता है किसी को पता नहीं है। तो उससे क्या होता है, तेल में जो है एक बहुत ही घातक ऑक्सीजनेटेड वो होता है जो हमारा शरीर के लिए बहुत घातक है। तो इस टाइप से ट्रांसफैट बनता है, जो गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहा है कि ट्रांसफैट ना हो खाने की चीज बनाने वाले ऑयल में, वो सारे चीजें जो है रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इससे क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्या होता है, हमारा जो शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल खाने से ज्यादा नहीं आता लेकिन लीवर बनाना शुरू कर देता है। जैसे आप उस, जैसे अच्छी खेती के लिए, फसल के लिए आप बहुत तरफ से ये करते हो, तो ये रिस्क फैक्टर उसी तरफ का जैविक आप समझ लीजिए खाद है। तो शरीर में हमारा LDL कोलेस्ट्रॉल नामक जो बैड कोलेस्ट्रॉल है जो वो ज़्यादा बनना शुरू होता है, और वो जाके शरीर के अलग अलग जगह में
जमना शुरू हो जाता है। तो ये पहला डिजीज जी जी। अब डॉक्टर दीक्षांत मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए जब इस तरह की समस्या होती है, मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, आपके हार्ट से जुड़े हुए कुछ ऐसे आपको संकेत मिल रहे हैं, ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो पहली चीज इमरजेंसी में क्या करें, क्या करना चाहिए तुरंत अगर आपको लग रहा है कि शायद मुझे हार्ट अटैक आ रहा है या फिर ऐसा कुछ भी आपको महसूस होता है, और दूसरी चीज़ लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़, तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कोई भी संकेत ऐसे मिलते हैं कि जैसे छाती में दर्द होना, या छाती का जो दर्द है वो जब भी हम काम करते हैं तब दर्द होता है, जब बैठ जाते हैं तो ठीक हो जाता है, और वही दर्द एक बाजू में इस तरफ को बाजू में जाना है, या कई बार खाना खाने के बाद इमीडिएटली जबड़े में दर्द होना, हर बार ऐसे होना, या कभी भी हम कोई भारी काम कर रहे हैं तो सांस फूलना, और सांस फूल जब भी आराम करते हैं तो वही सांस अपने आप आराम एकदम से ठीक हो जाता है, या फिर आपको चक्कर आना, घबराहट, एकदम से घबराहट, बैठे बैठे घबराहट हो जाना। तो आपको जब भी कोई ऐसे लक्षण मिले तो बेस्ट सबसे यही रहेगा कि आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पर डॉक्टर से एक बार मिलिए, अगर हो सकता है तो ECG, और अगर आप अच्छे शहरों में रहते हैं तो अच्छे हॉस्पिटल में जाके ECO का ये जो सारी जांच है ये आप एक बार करवा लीजिए। अगर आप 60 साल से ऊपर हैं तो आप एनुअली अगर आप ये डॉक्टर से मिल सकते हैं और ये सब जांच करवा सकते हैं, अगर आपका डॉक्टर इन सब जांचों को समझता है कि यस आपका ये होना चाहिए, तो आप बिल्कुल करवाइए, ताकि इन सब से एक रेगुलर आपका वो रहेगा। एक दूसरी बात ये रहती है कि इनसे लॉन्ग टर्म कैसे बचा जाए, तो लॉन्ग टर्म बचने के लिए आपको थोड़ा पहले इन सब ये सब होने से पहले शुरू करना चाहिए, दैट इज़ आपको जो हम कहते हैं, जैसे सर ने जैसे बताया है कि जंक फूड बिल्कुल बेर मिनिमम कर देना चाहिए, ऊपर से नमक बेर मिनिमम कर लेना चाहिए, बाकी स्मोकिंग, अल्कोहल और बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, एंड साथ ही साथ जैसे हम एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं, वो एक्सरसाइज अगर हम थोड़ी देर करते रहें तो इसका इफ़ेक्ट इमीडिएटली नहीं आता है, बट लॉन्ग टर्म में इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। तो यही सब चीज़ें हमें प्रैक्टिस करनी जी। डॉक्टर रंजीत, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी कि किस किस तरह के हार्ट से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। यह बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि हार्ट अटैक जब होता है, जैसे दीक्षांत जी ने भी बोला कि छाती में दर्द होना, ये दर्द मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये दर्द दर्द को लेकर के बहुत कंफ्यूजन रहता है कि गैस का दर्द है या मसल्स का पेन है या हार्ट का पेन है। तो दिल की दर्द ऐसा दर्द बोलता है लेकिन दर्द नहीं, ये मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आपका हार्ट किसी ने दो हाथ से पकड़ के स्क्वीज कर रहा है, जैसे ये निकल जाएगा इस टाइप का, सो हम इसको स्क्वीजिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। तो जैसे दो हाथ से किसी ने आपका दिल को मसल रहा है इस टाइप का एक बोलता है लोग, जिन लोगों को हार्ट अटैक आया, जिन लोगों से हमने बात किया, वो दर्द जनरली बहुत टाइम नहीं रहेगा, इन द सेंस 2 मिनट का दर्द भी हार्ट अटैक नहीं है, लेकिन 20 मिनट का दर्द, अगर 20 मिनट तक ये दर्द रहा तो आपको समझ लेना चाहिए ये खतरनाक चीज़ हो रहा है आपके साथ, तो उसमें बैठे नहीं रहना चाहिए। अभी बात यह है, केवल दर्द अगर एक जगह पर है तो, और वो भी थोड़ा दिल का है या नहीं कहना मुश्किल है, इसीलिए दर्द होगा फिर आपका मन घबराएगा, मतलब आपको लगेगा कि कुछ होने वाला है अनहोनी, उसके ऊपर होगा क्या, आपका थोड़ा सा पसीना आएगा, आपको पसीना पसीने से कभी लुटपुट भी हो सकता है या थोड़ा पसीना आएगा, और आपका दर्द जबड़े में या लेफ्ट साइड के हाथ में जा सकते हैं, आपको पेट में भी थोड़ा अपर इस पार तक जा सकते हैं दर्द, इस टाइप का दर्द अगर थोड़ा लंबे रहे तो हार्ट अटैक की थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए जैसे डॉक्टर दिशा ने बोला हॉस्पिटल जाना है। लेकिन करना क्या है, तो अगर आपको लग रहा है कि दर्द तुरंत नहीं पहुंच पाते डॉक्टर ये है, तो बेस्ट है कि आप पानी वानी थोड़ा पी सकते हैं, लेकिन एस्पिरिन की गोली घर पे लिया जा सकता है, एस्पिरिन या खून पतला करने की एक एस्पिरिन नाम का गोली आती है, 325 मिलीग्राम का मार्केट में मिलती है, गांव-गांव में मिलते हैं, वो एक कप पानी में डिजोल्व करके, हाँ ये लेकिन खाली पेट नहीं लेना चाहिए, मतलब सुबह कुछ खाया नहीं एस्पिरिन खाओगे तो उससे गैस्ट्रिक अल्सर बन सकता है, वो डेंजर हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ खान पान अगर खाया हुआ है सुबह सुबह नहीं है, खाली पेट नहीं है, या 2 बिस्किट पानी लेने के बाद आप एक स्प्रे, आपको ये लग रहा है कि मुझे कुछ डेंजरस होने वाला है, तो
आप डॉक्टर के पास जाने दो, आप एक ही चीज कर सकते हो कि आप एस्पिरिन की गोली ले सकते हो और आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। बाकी दवाई और कुछ आपको खुद को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई दूसरी चीज भी हो सकता है जो बाकी दवाई हो सकता है कुछ और हो, इसलिए डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। लेकिन ये लक्षण बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये 20 मिनट के ऊपर लगा तो आपको शायद खतरनाक कुछ हो सकता है, इसलिए इतना वेट नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर दीक्षांत, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कई बार जो हार्ट से रिलेटेड जो सर्जरीज होती हैं, जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और उसमें कॉस्ट भी काफ़ी रहता है, तो इससे हमारे कई बार दर्शक बचते रहते हैं कि जाएंगे तो कुछ निकल आएगा, डॉक्टर कुछ बता देंगे, तो इस तरह की भी एक सोच है, ये कितनी सही है कितनी गलत है, इस हमारे दर्शकों को जागरूक करें इसको लेकर। देखिए बिल्कुल ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है, पैसे का फैक्टर, कि कुछ भी अगर हम करते हैं तो उसके पैसे लग सकते हैं, नहीं तो अगर कोई बीमारी यूजुअली लोग तो सोचते टालते हैं, टालते रहते हैं, डॉक्टर ने कुछ कहा है तो आप सोचते चलो थोड़ा और समय दे दें, लेकिन दिल बहुत सेंसिटिव है तो उसमें आप रिस्क नहीं ले सकते। बिल्कुल, आपको रिस्क सबसे पहले तो बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए। क्यों इसका, एक्चुअली हम सोचते हैं कि नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करा लेंगे, बट बात यह रहती है कि थोड़ी भी देर बाद अगर हमने करा तो हार्ट का उतना मसल डैमेज हो चुका रहता है और वो रिपेयर नहीं होता, और वो रिपेयर नहीं हो सकता, और अगर आपने पहले करा लिया तो वो रिपेयर हो सकता था, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ जाती है जब वो रिपेयर नहीं हो सकता ना, तो उसके बाद की जो जिंदगी रहती है वो बहुत अच्छी नहीं रहती है। तो इस वजह से ये कॉमन सेंसली देखा जाए तो आपकी जो, अगर आपने डिले कर दिया है अपना ट्रीटमेंट ना, तो उससे आपका नुकसान ज्यादा होगा, ज्यादा लंबे समय से रहेगा, और जो बची जिंदगी रहती है वो ज्यादा अच्छी नहीं रहती है। इसलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ जो रहता है वो बहुत अच्छा नहीं रहता है, मतलब अगर आप कोई भी काम करना चाहेंगे आपका हर थोड़ी देर बाद आपका सांस फूलेगा, आपको छाती में दर्द होगा, इससे ज्यादा बेटर रहता है कि आप पहले ट्रीटमेंट करवा लीजिए और आपका सांस भी नहीं फूलता है, तो आप वो काम जो पहले 10 मिनट में कर लेते थे अभी 2 मिनट में कर पाओगे, तो इससे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा रहता है, आपका लाइफ ईयर्स बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं, और ओवरऑल आप सब चीज़ों को काम कर पाते हो। पहले आप जो ज़िंदगी ही नहीं जी पा रहे थे, पर इसलिए आप रुके हुए थे कि आपने पैसे नहीं खर्चने हैं, तो अब आप आगे अगर आप उसका ट्रीटमेंट करवा लेते हो तो वो बहुत अच्छा रहता है। जी जी बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर सर ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि दिल में जो नुकसान अगर हो गया, जितना डैमेज हो गया, जितना आप डिले करेंगे वो इरिवर्सिबल, मतलब से आप रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल है, उसको आप ठीक नहीं कर सकते, वो लाइफ लॉन्ग आपका एक डैमेज हो ही गया है। फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि हम अपने जीवन में वो कौन कौन से छोटे छोटे स्टेप्स शामिल कर सकते हैं जिससे बड़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं और आपका हार्ट स्वस्थ रह सकता है, इस पर भी बात करना बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सवाल है, तो आप भी हमें ज़रूर कॉल करें, ईमेल करें। छोटा सा ब्रेक। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, सुमन नाम इनका, मेरठ से इन्होंने हमें ये ईमेल किया है, और सुमन जानना चाहते हैं कि इनकी जो माता हैं उनके दिल में ब्लॉकेज है, तो इसका क्या उपचार किया जाए, क्या करना चाहिए। डॉक्टर रंजीत, ये पहले उम्र 52 साल इनकी माता थी। पैसा खर्च करने वाले सवाल की भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। हार्ट अटैक या एक्यूट जब हार्ट अटैक होता है उसमें एंजियोप्लास्टी या खून कत्था घोलने की दवाई, ये 2 उपचार है, उसको हम करना ही चाहिए। जैसे एक छोटे से गांव में या छोटे से शहर में हो सके कैथ लैब ना हो, डॉक्टर ऐसे ट्रेन ना हो, तो उसमें क्या है, हम खून की कत्था घोलने की दवाई देते हैं और उसको जल्दी से जल्दी शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शहर में क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट इतना है, हॉस्पिटल इतना है, तो वहाँ पर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी या तुरंत होने वाला एंजियोप्लास्टी वो करना चाहिए।
तो एंजियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं, हम शरीर का वो धमनी जहाँ खून की कत्था मैंने पहले बोला था जम जाता है, उसके अंदर से एक तार डाल देते हैं, उसको फिर बेलून से उसको साइड में चिपका देते हैं और उसके अंदर से एक छिल्ला डाल देते हैं ताकि खून जाने का रास्ता तुरंत हम बहाल कर देते हैं, ताकि दिल की ये अगर हम घंटे भर के अंदर कर पाते तो दिल की कोई मसल कोई डैमेज नहीं होता है, लेकिन अगर 2 घंटे तक भी करें तो अच्छा है, लेकिन पाया गया 6 घंटे तक काफ़ी कुछ हम बचा सकते हैं, 6 घंटे के बाद कभी कभार थोड़ा बहुत बचा। तो कहने का यह मतलब है एंजियोप्लास्टी या खून की कट्ठा खोलने की दवाई या खर्चा करना ये हार्ट अटैक में तो मस्ट है, लेकिन जो मैंने पहले भी बताया था कि आहिस्ते आहिस्ते कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो गया, आहिस्ते आहिस्ते ब्लॉक आया हमारा, फिर चलने में छाती में दर्द होता है, फिर बैठना पड़ता है, इस टाइप के जो ब्लॉक है इसको हम क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना बोलते हैं, ग्रेजुअली आने वाली बीमारी बोलते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि तुरंत एंजियोप्लास्टी कर देना होगा या बाईपास करना, ऐसा कोई सुझाव अभी तक आया नहीं। बहुत रिसर्च करके भी हम लोगों ने पाया कि ऐसा कोई नहीं है कि तुरंत करना चाहिए। हाँ, किसी को अगर दवाई से ठीक से वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, जो उनको दिक्कतें हैं, जो काम करने में छाती में दर्द होता है, थोड़ा सा भी चलने में दिक्कत होता है, वो अगर ये टॉयलेट जाने में या अपना कपड़ा धोने में अपना खाना खाने में अगर दिक्कत आ रहा है, तो शायद उनको एंजियोप्लास्टी या बाईपास कर देने में उनकी दिक्कत में थोड़ा सा आराम आ जाएगा, आराम उनका प्रॉब्लम। लेकिन लाइफ की लंगेविटी बढ़ेगी, जिंदगी का लंगेविटी बढ़ेगी, इसका कोई गारंटी आज तक नहीं है एंजियोप्लास्टी या बाईपास से। इसीलिए मैं कहूँगा कि हाँ, माता जी को देखना चाहिए कि कितना उनका दिक्कत है, या हम कुछ टेस्ट भी करते हैं, स्ट्रेस थेलियम या अदर टेस्ट, जिससे हमको पता लगता है कि दिल की कितनी परसेंट मांसपेशियों को दिक्कत है, और अगर बहुत ज़्यादा है तो हम कहते हैं आप एंजियोग्राफी करा लीजिए, ब्लॉक्स देख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से करें। अगर ऐसा नहीं है कि छोटा सा एरिया में थोड़ा सा ब्लॉक है या कोई खास नहीं है, तो बिना एंजियोग्राफी भी हम इलाज करते हैं, दवाई इस एरिया में ज्यादा कारगर है एंजियोप्लास्टी बाईपास से भी, तो इसीलिए वो आपको देखना पड़ेगा। जी जी डॉक्टर दीक्षांत, एक चीज और हम बहुत कॉमनली देखते हैं, मतलब बहुत सामान्य ये देखने को मिलती है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है और डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि अब ये आपको एक छोटी सी टिकिया है जो कि आपको लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी, लेकिन उसे उस छोटी सी टिकिया को लेकर वो बड़ा भार ले लेते हैं अपने ऊपर, सो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब कई बार तो ये सोचते हैं कि हम ठीक है, हम क्यों खाएं इसे, सो ये जो बीपी की दवा है इसको लेकर भी मुझे लगता है थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जागरूक करने का, हाँ जी क्या कहना चाहेंगे सर? एक्चुअली ये सब वही आ जाता है कि एक जिंदगी भर अगर मेरे को खानी पड़ेगी, उसकी आदत लग जाएगी, इसके बिना क्या होगा, इसको खा के चक्कर आते हैं, चक्कर आए, तो ये सब वैलिड सवाल होते हैं। बट ये सब एक्चुअली हमें ये देखना चाहिए कि पहले रिस्क और बेनिफिट कितना है, कि अगर आपका ब्लड प्रेशर आपका वाकई हाई है, अगर आपका ब्लड प्रेशर वाकई हाई है तो आपको दवाई खानी चाहिए, क्योंकि उसका ये रहता है कि उसका अगर आपने दवाई नहीं खाई तो उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसका रिस्क ऐसे ज़्यादा रहता है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपकी कोई दिमाग की नस फट सकती है, आपके दिल रुक जाएगा एकदम से, और फिर उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से अगर आपको बचना है तो आपको एक छोटी गोली जो है वो खानी चाहिए। उस गोली का ये फ़ायदा रहता है कि आपकी ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में रहता है। तो ऐसे हमें नॉर्मली नहीं पता चलता है कि हाँ ठीक है हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, कई लोगों को बिल्कुल पता नहीं चलता है और वो हम हॉस्पिटल में आते हैं, उनका ब्लड प्रेशर 170 180 200 कई बार ही रहता है और वो कहते हैं कि हम नहीं खा रहे आज तक तो हमें कुछ नहीं हुआ है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि जिस दिन कुछ होगा वो काफ़ी भारी हो जाएगा, तो वो उस भारी नुकसान से बचने के लिए हमें पहले ही प्रोएक्टिव स्टेप्स ले लेने चाहिए। जी सर, अब यहाँ पे ये भी बताएं कि जो अब हम जो टेस्ट करते हैं हार्ट रेट और साथ ही बीपी, तो इसका स्टैंडर्ड क्या है, क्योंकि कई बार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी कई चीज़ों के चेंज होते रहते हैं, तो हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए जो हार्ट रेट या दिल की जो बीट्स है वो हम कहते हैं 70-80 अगर आपका है तो ठीक है, लेकिन आप बैठे बैठे ही वो 100 से ज़्यादा है तो उससे आपका दिल में बहुत काम करना पड़ रहा है, तो दिल का जो पंपिंग फ्यूचर में कम हो जाने का जो खतरा है। इसका कारण होता है जैसे किसी को थायराइड का कोई प्रॉब्लम है या कोई दूसरा बीमारी है, उसके कारण भी दिल की धड़कन बढ़ सकता है, इसीलिए हमको उस कारण देखना पड़ेगा। कोई कारण से अगर दिल की धड़कन ज़्यादा है तो वो कारक को हम अगर ट्रीट करेंगे तो अपने आप ठीक हो जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है
तो दिल की धड़कन 100 से ज्यादा कंटिन्यूअसली पाम करते रहना, रात सोने के टाइम भी अगर सर से, तो उससे हमारा दिल में बहुत सर, लेकिन कहते हैं उम्र के साथ, जैसे आपकी उम्र ज्यादा है, 60 प्लस है आप, तो ये थोड़ा ऊपर चलता है, ये है सही क्या बात? नहीं, ये अपोजिट है। जैसे ही हमारा एज होता है, हमारा छोटे छोटी बातों में स्ट्रेस कम हो जाता है, तो जनरली दिल की धड़कन संतुलित रहता है, 60-70 में ही रहता है। और जब यंग एज में जैसे थोड़ी सी बातों में टेंशन, किसी से लड़ाई झगड़ा, उसमें से जैसे कहते हैं खून गर्म हो गया, खून गर्म हो गया तो ज्यादा रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दिल की धड़कन साथ। दूसरी बात आपने पूछा बीपी क्या रहना चाहिए। बीपी हम कार्डियोलॉजिस्ट के लिए कुछ मापदंड सोसाइटी, हमारा इंटरनेशनल सोसाइटी या इंडिया का भी कुछ सोसाइटी ने दिया है, लेकिन जो किसान भाइयों के लिए ये है कि आपकी बीपी अगर 140 और 90 के नीचे है, उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, तो हम दवाई तुरंत शुरू नहीं करेंगे। आपको हम कहेंगे इसको ख्याल रखो, इसको देखते रहो, नमक कम करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो। ये रेगुलर एक्सरसाइज जो किसान भाई बोलते हैं मैं खेत में जाता हूँ तो मेरा तो एक्सरसाइज हो गया, ये गलत है। जो एक्सरसाइज हम कहते हैं वो है कि लगातार 30 मिनट या हफ्ते में 150 मिनट लगातार करना होगा। एक दिन में 30 मिनट या 45 मिनट तक आपको करना होगा। उससे क्या होना है, उसका आपका हार्ट की बीट थोड़ा बढ़ना है, तब भी उसको एक्सरसाइज कहेंगे। आप किसानी कर रहे हो, फिर घर आए चाय पिए, फिर 10 मिनट किसानी कर रहे हो, इसको हम एक्सरसाइज नहीं मानते। इसीलिए अगर एक्सरसाइज से आपका दिल को फायदा पहुंचना है, तो मिनिमम सबसे कम 30 मिनट रोजाना आपको कंटिन्यूअसली एक काम करना है। साइकिलिंग कर सकते हो आप, अगर आपके पास पानी या नदी है आप वहाँ पे स्विमिंग कर सकते हो 30 मिनट कंटिन्यूअस। नहीं तो सबसे बेस्ट है आप तेजी से वॉक करो, दैट इज वो सबसे बेस्ट है। तो शुगर अगर आप बीपी 140-90 क्रॉस हो गया, और ये हमने पाया कि दो बार मापने पे ये पाया गया कि 140 या 90 से ज़्यादा है, तो हम कहते हैं आप जो कर रहे हो उससे आपका सुधार नहीं हो रहा है, हम आपको अभी दवाई से ये करना पड़ेगा। अभी लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि बीपी ज़्यादा रहेगा जैसे दिशान जी ने कहा, लेकिन ये ब्लड प्रेशर पूरी दुनिया में बोलते हैं साइलेंट किलर। बहुत डिजीज नहीं है जो साइलेंट किलर होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर है, क्योंकि इससे स्ट्रोक होगा तो बचने का चांस तो कम है, और बचोगे भी तो अपाइज बचोगे, इससे हार्ट अटैक होने के चांसेस, जिससे आप जिंदगी भर सांस फूलते हुए, पैर फूलते हुए, सूजे हुए जियोगे, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है किडनी डैमेज करता है। तो आपको घर वाले को डायलिसिस के लिए हर तीसरे दिन ले जाना पड़ता है। तो किडनी फेलियर का सबसे हाईएस्ट कॉज जो है, ज़्यादातर कॉज जो है हाइपरटेंशन है, साइलेंटली बीपी बढ़ा हुआ है, किसी को पता नहीं है। इसीलिए ये सबसे बचना है तो एक गोली तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो जो बीमार हो जाए, जब किडनी खराब हो जाए, उसके बाद जो डायलिसिस के लिए रोज लाइन लगाना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर दीक्षांत, अब जैसा कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि हम बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिन्हें कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, एंड ये जो छोटे स्टेप्स हैं, छोटे कदम हैं, ये आपको एक बड़े मंजिल तक, एक बड़े सुधार तक ले जाने में कारगर होते हैं। तो अगर हम दिल की सेहत की बात करें, हम जानते हैं कि शहरों की ज़िंदगी बदल चुकी है, गांव की ज़िंदगी अब बदल चुकी है, लेकिन इसी के साथ ही हमें कुछ और अपने जीवन में बदलाव भी करने की आवश्यकता है, तो वो क्या टिप्स रहेंगे? तो सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि जो भी पैकेज फूड है, जो प्रोसेस्ड है, जंक फूड है, जो हमने शुरू से हमने बोला है, तो उसको बेयर मिनिमम कर देना चाहिए। अगर ज़रूरत नहीं, अगर आपका बिल्कुल भी आवश्यकता मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप करिए, जैसे आप इमिडिएटली घर के बाहर चले गए एक दो दिन के लिए, सडनली आपका प्रोग्राम बना, तब आप अगर नहीं अवॉइड कर सकते तब आप कीजिए। वरना आप बेस्ट है कि आप तेल वाला, चिकनाई वाला खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपने खाने में ऊपर से नमक डालना बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए। आप अपने खाने में चाय में चीनी एक्स्ट्रा डालना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और खाने के साथ साथ आप, जैसे सर ने बताया ही है, कि हर रोज़ व्यायाम कीजिए, जो कि है मिनिमम 30 मिनट, और वो मिनिमम 30 से 45 मिनट आपका हार्ट रेट बढ़ा रहना चाहिए जी जी। और ये हफ्ते में 3 से 4 दिन मिनिमम। एक कॉलर है सर, आलोक रंजन है, उनका भी सवाल जल्दी से ले लेते हैं, कार्यक्रम समाप्त होने वाला है। हाथरस से इन्होंने हमें कॉल किया है। जी आलोक जी, बताइए क्या प्रश्न है। हेलो जी आलोक जी, सवाल बताएं। जी नमस्ते मैडम, मेरा नाम आलोक रंजन है। जी नमस्कार आलोक जी, बताइए प्रश्न क्या है आपका। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे ये मार्केट में मोटापा कम करने की जो दवाएं, क्या ये लाभदायक है, इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए हमें? जी ये बहुत अच्छा सवाल है आलोक जी। या वजन हम किस तरीके से कम करें अपने, और साथ में अच्छा सवाल पूछा आपने आलोक जी, क्योंकि वजन, ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि डायबिटीज है, हार्ट है, ये न्योता देती है इसे।
सही बात है, क्योंकि वजन से ही बहुत, एक्चुअली हार्ट अटैक से भी वजन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, शुगर आने का चांसेस ज्यादा है, और जो घुटनों में प्रॉब्लम है आजकल आपने सुना होगा कि घुटना बदलने का सलाह दिया है डॉक्टर ने, ये सब भी वजन बढ़ने के कारण होता है। इशू ये है कि वजन जैसे बढ़ा है, बढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन उसको घटाने में बहुत कष्ट होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन ये दवाई से अगर कम किया है तो वो ठीक नहीं है। जो दवाई हमारा एलोपैथिक दवाई आया है जो वज़न कम करने के लिए, वो है जिन लोगों का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है और बहुत मेहनत करके भी उन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाया, उनके लिए कुछ मेडिसिन आए हैं, लेकिन उसको इतना कारगर नहीं पाया गया जितना कि हम डाइटिंग एक्सरसाइज उससे कर सकते हैं। आजकल हमारा मेडिसिन में या कार्डियोलॉजी में एक कंसेप्ट ये भी है कि आप फास्टिंग रहो, फास्टिंग कितना रहो जितना लंबा आप कर पाओ इतना कारगर पाया गया है। तो आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करो और जितना टाइम तो आप नहीं खाने से चल जाता है आपका, उतना टाइम तक आप ना खाओ। अगर ज़रूरत बहुत ज़्यादा है तो सलाद या थोड़ा सा फ्रूट्स ये सब खाओ। ये कॉन्सेप्ट है हमारा खाने का, कार्डियोलॉजी का या दिल की बीमारी की नीज के लिए। और वजन कम करने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर यही है कि आप फास्टिंग रहो, जितना टाइम नहीं खाने से चले उतना, और जब भी खाना पड़े तो सलाद और फ्रूट से चलाओ और एक्सरसाइज करो। लेकिन मेडिसिन की इससे वजन घटाना एक कॉन्सेप्ट एकदम ही ठीक नहीं है। डॉक्टर दीक्षांत, क्लोजिंग पॉइंट्स क्या रहेंगे आपके? क्लोजिंग पॉइंट्स हमारे सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम हर काफ़ी सारी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। हम हार्ट के डिजीज़ेस अवॉइड कर सकते हैं, हम ब्रेन के, हम मोटापा, हम किडनी के सारे डिजीज़ेस, हम अगर ये सारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम कर सकते हैं तो हमें दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी 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 बिल्कुल। तो आप अपनी जीवनचर्या को सुधारें, लाइफस्टाइल बेहतर करें, अपने खान पान पर ध्यान दें, और जैसा कि सर ने लगातार कहा कि पैकेज्ड फूड, जंक फूड, तला भुना कहीं से भी ना खा लें, ये आपकी सेहत पर बहुत विपरीत असर डालते हैं। और साथ ही हमने बहुत अच्छी चर्चा की आज की, कैसे आप अपने हार्ट को दुरुस्त रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को ज़रूर इससे लाभ होगा और आज के कार्यक्रम के बाद कुछ चीज़ें आप अपने जीवन में अवश्य शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, सर आपका भी अपने स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसी के साथ ही आज के स्वस्थ किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई फीडबैक है, या फिर आप चाहते हैं कि किसी विषय पर हम स्वस्थ किसान लेकर आएँ, तो आप हमें इसकी जानकारी ईमेल कर भी दे सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा नया ईमेल आईडी है स्वस्थ किसान लाइव 2024@gmail.com, स्वस्थ किसान लाइव 2024@gmail.com। तो आप अपने मेल हमें ईमेल पर ज़रूर भेजें, आपके ईमेल्स हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें और दूरदर्शन के साथ देखते रहें। नमस्कार। आज किसान प्रश्न मंच का कारवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के वाराणसी। आज के हमारे सब्जेक्ट होंगे सब्जी उत्पादन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। 2000 रुपए हर 4 महीने पर उनके खाते में ट्रांसफर करते रहते हैं, जिससे किसान अपनी बुवाई, खेती का काम आसानी से कर लेता है। कभी कभी सब्जियां नहीं मिलती हमें, तो इन्हें हम सुखा कर भी रख सकते हैं कि इन्हें जिस टाइम पे ये ना हो तब हम इनका उपयोग कर सकते हैं। सब्जी की जो कीमत है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, यही मूल्य संवर्धन है। इसी सम्मान राशि के साथ कैसे सरकार जो है किसान को आर्थिक सहयोग दे सके। तो साल भर में 6000 रुपए मिलते हैं, जो 2000 रुपए करके 4-4 महीने पे किस्त किसानों को आती है। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कैसे हम किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं? पहला प्रधानमंत्री है दुनिया का जिसने खेत में जाके किसान से और वैज्ञानिक से बातचीत करने का काम किया। किसान दूरदर्शन की तरफ से हम किसान भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं, उनसे आग्रह करना चाहते हैं, उनसे आरजू करना चाहिए कि आओ सब मिलकर कृषि को प्राकृतिक खेत के रूप में उपजाओ, बिना खाद का उपजाओ, अपने स्वस्थ रहो और खेत के भी स्वस्थ रखने का काम। देखिए खास मुलाकात
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर जी के साथ 1 सितंबर रविवार शाम 7 बजे। इंडियन टेलीविजन पर पहली बार हॉटमेल के फाउंडर एंटरप्रेन्योर सबीर भाटिया का स्पेशल शो बी क्यूब्ड। अलग अलग फील्ड के दिग्गज, एक ही मंच। ब्रेकिंग बाउंड्रीज विद सबीर भाटिया प्रत्येक शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।